करसोग उपमंडल में बाहर से आए लोगों में से कईयों द्वारा होम क्वारंटीन का पालन न करने पर नयारा के लोगों ने एसडीएम करसोग सुरेंद्र ठाकुर के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजा है। कुछ समय से करसोग क्षेत्र में बाहरी राज्यों से व जिलों से आए हुए लोगों को होम क्वारंटीन में रखा गया है। देखा यह जा रहा है कि वे लोग पूरी तरह से इसका पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते वीरवार को नयारा वासियों ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि होम क्वारंटीन का सही तरीके से पालन होना चाहिए। नियारावासी बंसीलाल और अन्य लोगों ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग की है कि पालन न करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बाहर से लोग जो आ रहे हैं, कम से लगभग 500 के आसपास लोग यहां पहुंच चुके हैं, उन्हें होम क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। और होम जैसे लोग होम क्वारंटाइन में रखा जा रहा है, वो इसका पालन ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, वो इधर उधर घूम रहे हैं और लोगों को भी खतरे में डाल रहे हैं। हमने पहले भी ज्ञापन सौंपा था इसीलिए कि भाई होम क्वारंटाइन रखना सही नहीं है। इसलिए जो अब जो बाहर से बंदे आएंगे, ठीक है, उनका घर है, उनको आना चाहिए, वो बुरी बात नहीं है। बाहर से आ रहे हैं, घर तो नहीं आना चाहिए, उनका अपना घर है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। पर जो सरकार के दिए गाइडलाइनों के अनुसार ही उनको यहाँ आना चाहिए और जो सरकार द्वारा बनाए गए होम क्वारंटाइन सेंटर हैं उनको वहीं रखा जाए। ये ज्ञापन है कि हमारे बहुत सारे लोग करसोग उपमंडल में बाहर से आ रहे हैं, आउट ऑफ स्टेट से आ रहे हैं या रेड जोन से आ रहे हैं, तो वो कुछ लोग क्वारंटाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं और फैमिली के साथ इधर उधर जा रहे हैं, तो ये ज़रूर ध्यान में आया है और बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। पर यदि कोई नहीं मानता है तो उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भी भेज दिया जाएगा पूरी फैमिली को। और अब फैमिली के लिए पिछले कल जो ऑर्डर हुआ है, वो पूरी फैमिली ही अब होम क्वारंटाइन होगी, उसमें से कोई भी आदमी बाहर नहीं निकलता है। और जो भी उसका उल्लंघन करता है उसकी पूरी फैमिली को ही इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में डाल दिया जाए। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए शिमला से ब्यूरो की रिपोर्ट।